अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स। मेरा नाम शाज़े मलिक अवान है और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सीजर और नाइफ टूल्स क्या होते हैं अडोब इलस्ट्रेटर में। वेल बेसिकली सीजर टूल, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को एज बाय एज काटने के लिए आप सीजर यूज़ करते हैं, और इन द सेम अदर पर्पज़ में अगर हम यूज़ करें तो हम नाइफ कहीं पर भी कुछ काटने के लिए या कट करने के लिए नाइफ टूल को नाइफ को यूज़ करते हैं अपनी असली की ज़िंदगी में, और यही सेम पर्पज़ यूज़ होता है डिजिटल इलस्ट्रेशन में, अडोब इलस्ट्रेटर में। चलो चलते हैं अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं नाइफ टूल और सीजर टूल किस तरह से काम करता है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, और इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि सीजर टूल और नाइफ टूल क्या होता है अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। वेल बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी मुझसे अक्सर कहा करती थी कि बेटा सीजर के साथ मत खेलो, तो इन दिस केस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजर टूल की। सीजर टूल को हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल बार में, और टूल बार में जैसे आप आएंगे इरेजर टूल के अंदर राइट क्लिक करके, तो वहाँ से मिलेगा आपको सीजर टूल। सीजर टूल वैसे बेसिकली कैसे काम करता है? वेल बेसिकली जब आपको पता होगा सीजर टूल एज बाय एज काम करता है। जब भी आपने कुछ चीज़ को काटना होता है, आप एक एज से काटना शुरू करते हैं, आप टेक प्लेस करते हैं आखिरी एज के ऊपर, और यही सेम पर्पज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप जैसे ही सीजर टूल के साथ किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो अडोब इलस्ट्रेटर आपसे कहेगा प्लीज़ यूज सीजर टूल ऑन ए सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ द पाथ। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी जगह पे सीजर टूल को यूज़ नहीं कर सकते सिवाय किसी पाथ के ऊपर या किसी एंकर पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से इस एग, मैंने एक किस्म का एग ही बनाया ना, उसके इस पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा, अगर क्लिक करता हूँ तो इस दफ़ा इलस्ट्रेटर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसके मतलब मैंने यहाँ एज से शुरू किया है। और दूसरा मैं अपना पॉइंट लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, मैंने दो पॉइंट लगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है नहीं, बहुत कुछ हुआ है। अगर आप जाएंगे सीधा अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और क्लिक करें अपने इस एग के ऊपर, और इस एग को पकड़ के ऊपर की तरफ मैं ड्रैग करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि हमने दरमियान से इसको काट दिया है। तो ये करता है बेसिकली सीजर टूल। अब बात करते हैं नाइफ टूल की। नाइफ टूल क्या है? वेल नाइफ टूल ये होता है कि आप नाइफ टूल के जरिए फ्री फॉर्म तरीके से कट कर सकते हैं जो कुछ आप, जैसे भी माउस की आप मूवमेंट करेंगे ना, और आपने क्लिक कर रखा है माउस की मूवमेंट करेंगे तो वो कट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ सीजर टूल में और यहाँ से यूज़ करता हूँ नाइफ टूल, नाइफ टूल को मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कट करते हुए यहाँ से वैसे जिग जैग बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे मैंने किया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और बाहर क्लिक करता हूँ, और अगर अब मैं अपने इस एग के ऊपर क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ना हमने इसको क्रैक कर दिया जो एग हमने बनाया था। तो बेसिकली उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बेसिकली जी यही पर्पज़ है अपना लाइफ टूल का और सीजर टूल का। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।